हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीओसी। तो आज हम लोग देखते हैं क्या करना है। आज भी कुछ अटैक करेंगे और अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। आज हम लोग देखेंगे गोली करी। हाँ, तो पहला है गोली करी, तो मतलब गोलम्स और वैलकरीज। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये बहुत लेट कर रहा है। तो अभी क्लैश ऑफ क्लैंस का अपडेट आया है न्यू। अभी थोड़ी देर बाद अपडेट चेक कर लेंगे हम लोग। तो अभी पहले तो जेम बॉक्स निकाल लेते हैं, लूट कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ। क्विक ट्रेन, हाँ। तो पहले तो हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं। गोली करी, तो अब मैं दिखाता हूँ। गोली करी में हमें ट्रेन करने होंगे दो गोलम्स, वेलकरी, तीन चार। अरे यार, अब 14, 15, 16, 17 वैलकरीज हो गए। अभी हम लोग लेंगे, लगता है आइस विज़र्ड लेना पड़ेगा। एक आइस विज़र्ड ही ले लेते हैं। तो हमें दरअसल इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगा बैठ जाएगा। तो अभी स्पेल्स में दो हीलिंग स्पेल और एक रेज स्पेल गोलम के लिए, दो हीलिंग स्पेल वैलकरी और आइस विज़र्ड के लिए, और अर्थक्वेक स्पेल सेव। भी इसका नाम होगा गो इकरी। गो एक मैरी, नहीं गलत है। गो एक करी, गोई करी। और अब हम लोग अभी एक अटैक देख लेते हैं, तब तक कुछ बुशेस निकाल देते हैं। अब जेम्स कलेक्ट कर लेते हैं भाई पास। अभी मुझे एलिक्सिर मिल चुका है सीजन चैलेंजेस में से। अगले वीडियो में हम सीजन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे।
अभी अटैक करते हैं। तो फाइंड अटैक, दरअसल इसमें क्या होता है कि हम लोग जिस पे अटैक करते हैं ना, वो भी हम पे अटैक करता है, और जिसका ज़्यादा परसेंट होता है वो जीतता है। तो मुझे नहीं लगता मैं इस पे जीत जाऊँगा, बहुत हार्ड बेस है। इस पर बारबेरियंस लिए मैंने, तो दोनों साइड से छोड़ेंगे, क्योंकि ये देखो अंदर आ गए, अच्छा हुआ। अरे यार मर गए। बारबेरियंस और मास्टर बिल्डर को हम छोड़ेंगे यहाँ से। दरअसल मास्टर बिल्डर भी एक हीरो होता है नाइट में, मतलब हीरो नहीं, वो सादा बिल्डर ही होता है, लेकिन उसको बैटल मशीन के नाम से बोलते हैं। वो ऐसा एक रोबोट लेके जाता है और सब कुछ फोड़ता है उससे। उसको भी अटैक में मदद करनी रहती है इसलिए। ओह नो, मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊँगा, देखते क्या होता है। ओ विक्ट्री, कैसे? लगता है कोई भंगार वाला होगा, मेरे पर अटैक भी नहीं कर पाया। 1% से मैं जीत गया, मैं 1% से जीत गया दोस्तों, यस। तो अभी रिसर्च कर लेते हैं, छोड़ो रिसर्च के लिए थोड़े और चाहिए, मुझे मिनियंस के ऊपर रिसर्च करनी है। तो अभी हमारा कैनोन लेवल हो चुका है 10, तो अभी देखते हैं। व्हाट द हेल, मेरे ट्रॉफीज बहुत कम हो गए हैं। तो हम लोग अभी एक अटैक करते हैं, रिक्वेस्ट डाल के, रिक्वेस्ट डाल दिया। अरे ट्रूप्स ट्रेन ही नहीं किए, शिट, लगता है ट्रूप्स ट्रेन करने रह गए थे। चलो ठीक है, बाद में अटैक करते हैं। तो अभी हम लोग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक्समस ट्री है। अभी ये एक्समस ट्री क्या है, नई नई चीज़ें आने लगी तो कुछ समझता नहीं है। तो अभी हम लोग ट्री को निकाल देते हैं। तो अभी हमें अपग्रेड करना चाहिए गोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज कम है हमारे पास। अभी गोल्ड स्टोरेज एक बाकी है, उसको लेवल 13 करना है। और एलिक्सिर स्टोरेज हो चुका है क्या? एलिक्सिर स्टोरेज भी कर देते हैं, 11 है। अच्छा चलो, तो अभी हम करेंगे विज़ार्ड टावर लेवल 5 अभी। और विज़ार्ड टावर और एक और चीज़ करेंगे, आर्चर टावर। इसके लेवल कम है, लेवल 10 होना चाहिए। तो अब हम दूसरी स्ट्रैटेजी देखते हैं। अब दूसरी स्ट्रैटेजी में एक काम करते हैं, पहले तो ये निकाल देते हैं। 20 बलून्स, 10 मिनियंस और बाकी का जो होगा वो ड्रैगन्स। तो इधर हम तो 20 बलून्स, 10 मिनियंस और 4 ड्रैगन्स, और स्पेल्स में आएगा एक पॉइजन स्पेल, 2 हीलिंग स्पेल और एक रेज स्पेल। अभी
इस स्ट्रेटजी का नाम था क्या था? स्ट्रेटजी का नाम अरे रीनेम क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, अरे अभी कर देता हूँ, दो मिनट। डी आर बी ए एम आई ड्रैबमाई सॉरी, दरअसल मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। ड्रैबल मीन है इसका नाम। तो हम लोग पहले आप देख लीजिए फिर से, 1 2 3 4 ड्रैगन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनियंस, बाकी 20 बलून्स और 2 हीलिंग स्पेल, 1 रेज स्पेल और 1 अर्थक्वेक स्पेल। अभी ये आर्मी सिर्फ टाउनोलेट के लिए है, और ये ड्रेजार्ड आर्मी आपको शायद मैंने दिखाई थी पिछले बार में, नहीं दिखाई हो तो देख लीजिए। 2 ड्रैगन, 40 विजार्ड्स, 1 अर्थक्वेक स्पेल, 2 हीलिंग स्पेल और 1 रेज स्पेल। तो अब मैं आपको मेरी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, अगर आप मुझे फ्रेंड बनाना चाहते तो ये देखिए, YLU9YOBJY ये है मेरा टैग। आप सोशल में जाके सर्च प्लेयर्स में जाके इधर मेरा टैग डालेंगे तो मेरा नाम दिखा देगा, और आप उसमें ऐड फ्रेंड पे क्लिक कीजिए। अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो आप मेरे फ्रेंड बन जाएंगे। तो ये है मेरा क्लैन TPORANIUM। तो इसमें दरअसल मैं लीडर नहीं हूँ, तो मैं दरअसल 22nd हूँ, मैं ही लीडर हूँ। तो अब क्लैन वॉर स्टार्ट कर देते हैं। मैं दरअसल जोक कर रहा था, मैं ही लीडर हूँ। तो अभी हम क्लैन वॉर में लेंगे कितने, 44 मेंबर्स है ना, तो 1 जन और चाहिए, या फिर 4 जन निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग निकालते हैं चाइनीज़ को, नहीं किसी एक को, अच्छे प्लेयर को ऐड कर देते हैं। ये नहीं, इसको शायद नहीं, ये तो प्लीज़ डोंट अटैक ही नाम है इसका, नाम ही प्लीज़ डोंट अटैक है क्या यार। अभी हमें 4 मेंबर निकालने पड़ेंगे, नीचे के 4 निकाल देते, 1 2 3 4। अर्नो को ले लेते और वीर को ले लेते, ये चाइनीज़ को निकाल देते। ये दरअसल मास्टर स्ट्रेंज 2 मेरा सेकंड अकाउंट है, और ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए। तो अभी हम लोग 40 vs 40 का क्लैन वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक और क्लैन ढूंढते हैं जो हमारे जितने 40 vs 40 कर रही होगी, और फिर क्लैन वॉर स्टार्ट होने के बाद एक प्रिपेरेशन डे होता है जिसमें हमें प्रिपेयर करना होता है, ये देखिए। और फिर बैटल डे, सब एक दूसरे पे अटैक करते हैं, और फिर जिसके स्टार ज़्यादा होंगे
वो भेज जाते हैं। तो आप इसको कॉपी कर देख सकते हैं पॉज करके। प्रिपरेशन डे, बैटल डे और वॉर रिजल्ट्स। तो अभी मैं आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ। अभी ये ट्रेडर, ये टाउन रेट पे अनलॉक होता है। इसे हम लोग जेम्स दे के कुछ खरीद सकते हैं। अभी ये ट्रेडर तो हो गया। अभी मैं आपको अगले इसमें पूरा स्टार्टिंग से दिखाऊंगा, ये वो पूरा एक नया अकाउंट स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक।